बचने के लिए हर दिन कोशिशें की जा रही हैं। हर गली मोहल्ले में लोग इस वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि किस किस तरीके से प्रशासन की नाक के नीचे से सैनिटाइज के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है। सैनिटाइज करने वाले डिब्बे में न जाने क्या क्या भरा जा रहा है। ये तस्वीर बिहार की है, बिहार के गोपालगंज की। पहले आप इस वीडियो को देखें। कुछ लोग नल के पास खड़े हैं, उनके पास सैनिटाइज करने वाला डिब्बा है जिसे पीठ पे लेकर छिड़काव किया जाता है, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि सैनिटाइज करने वाले डिब्बे में पानी मिलाया जा रहा है। मतलब ये कि जिस डिब्बे में सैनिटाइजर होना चाहिए उस डिब्बे में पानी भरा जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर दावा भी यही किया जा रहा है कि इसमें सैनिटाइजर की जगह पानी भरकर छिड़काव किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर लोग अब प्रशासन से पूछ रहे हैं कि इस गंभीर महामारी को पानी के छिड़काव से कैसे खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन से जुड़े लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनके पास जानकारी है। गोपालगंज के नगर पंचायत नीरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोपाल से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की वीडियो वायरल करके छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनका जो तर्क है वो और भी हैरान करने वाला है। प्रशासन से जुड़े लोग बता रहे हैं कि इससे ज्यादा कारगर बनाने की कोशिश चल रही है जिससे बीमारी और महामारी से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जब कोरोना वायरस को हराने के लिए कई तरह की कोशिश की जा रही है, ऐसे में सैनिटाइज करने वाले डिब्बे में पानी मिलाकर इसे कैसे हरा सकते हैं, वो भी तब जब हर दिन कोरोना वायरस की वजह से लोगों की जाने जा रही है। सवाल सिर्फ किसी एक इलाके या मोहल्ले का नहीं है, ये सवाल हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है जो या तो कोरोना से पीड़ित है या फिर कोरोना से बचने की कोशिश कर रहा है। खैर, इस लापरवाही के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।